प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान वे देश में अलग अलग रूट की वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। इसके बाद वे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बूथ लेवल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी का रोड शो भी था जिसे रद्द कर दिया गया है और जो कारण सामने आया है वह हैरान कर देने वाला है। कुछ ही समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी चुनाव में दमखम से आगे खड़ी हुई है। पीएम मोदी आज राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, लेकिन ना तो पीएम रोड शो करने वाले हैं और ना ही किसी रैली को संबोधित। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रैली शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने 50% लाओ और काम कराओ वाले शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगा दिए हैं और उसके नीचे लिखा है एक्सेप्टेड मामा। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले भी इसी तरह का कैंपेन शुरू किया था जो जबरदस्त सफल रहा और अब एमपी में भी इसी तरह का अभियान शुरू कर दिया गया है। इस तरह शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुए घोटालों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि पीएम को सरकार द्वारा किए गए घोटालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए पार्टी ने पीएम मोदी के दौरे को रद्द कर दिया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि खराब मौसम के कारण रोड शो को रद्द किया गया है।